दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया हुआ है और भगवान ना करें, खुदा न खास्ता, अगर उस व्यक्ति की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, तो क्या आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में उस बैंक लोन का क्या होगा? क्या फिर उसके पीछे घर वालों को पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, या बैंकिंग नियमों के अनुसार उस लोन में कुछ छूट दी जाएगी, या पूरा लोन माफ हो जाएगा? इस तरह के कई सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत सारे मतलब ऐसे केस आते हैं जिसमें कोई लोन लेने वाला कर्जदार, चाहे आपने दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी सरकारी बैंक से लोन लिया या प्राइवेट बैंक से लोन लिया, SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह, एनी बैंक से अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया हुआ, तो बहुत से ऐसे केस आते हैं कि लोन लेने के बाद, कुछ किस्तें जमा कराने के बाद, उस व्यक्ति की किसी कारणवश या दुर्घटनावश एक्सीडेंटल केस की वजह से जान चली जाती है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, अपने देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है अभी तक जो कि कर्जदार की मौत हो जाने के बाद उस लोन को माफ कर दे। अगर आपकी भी ऐसी गलतफहमी है तो सबसे पहले तो इसको दूर कर ले। यह नियम हर तरह के लोन पर लागू होता है, चाहे आपने किसी बैंक से लोन लिया हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से लोन लिया, चाहे LIC वगैरह से आपकी FD वगैरह पर लोन लिया, किसी भी तरीके का लोन लिया ना, और लोन लेने वाले की जान चली जाती, मौत हो जाती, तो लोन माफ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में इस तरह का कोई भी लीगल कानून नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फिर वो लोन कौन चुकाएगा और कितना चुकाना पड़ेगा? तो आपको बता दूं, बैंक जो होते हैं ना, बैंक वो हर हाल में अपने पैसे को वसूल करेगा, चाहे किसी भी कारणवश अगर लोन लेने वाले की मौत भी हो जाए तो भी। हालांकि मृत्यु के बाद लोन के भुगतान को लेकर हर तरह के लोन के लिए अलग अलग नियम होते हैं, और ये नियम होम लोन में अलग होते हैं, तो पर्सनल लोन के लिए अलग तरह से कार्रवाई की जाती है। इसलिए आपको हर लोन के हिसाब से ये समझना होगा कि लोन वाले शख्स की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान कौन करता है। अगर किसी होम लोन लेने वाले की मौत हो जाती है, तो कर्जदार की मौत के बाद लोन चुकाने की जिम्मेदारी को एप्लीकेंट यानी कि गारंटर की हो जाती है। अगर ये दोनों भी नहीं है, मान लीजिए गारंटर की भी मौत हो गई, तो बैंक उस शख्स के पास पहुंचेगा जो कर्जदार की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होगा, यानी कि उसके बेटा बेटी या जो कोई भी मतलब लोन लेने वाले की जान जाने के बाद उसके द्वारा लिए गए जिस घर पर लोन लिया ना, उस घर का इस्तेमाल कौन कर रहा, बैंक उसके पास पहुंच जाएगा। इन तमाम रास्तों के जरिए अगर बैंक को ये लगता है कि उसके कर्ज की भरपाई संभव नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो उस प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा और बकाए का भुगतान करेगा। बदलते दौर में हर तरह के लोन का इंश्योरेंस भी होता है, बैंक इस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का भुगतान कस्टमर से ही करवाता है। ऐसे में अगर किसी बायर की मौत हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों कि अगर आप भी कहीं से भी लोन वगैरह लेते हो ना, तो साथ में थोड़ी सी किस्त ज्यादा आएगी, थोड़ी सी प्रीमियम ज्यादा आएगी, आप उस लोन का इंश्योरेंस भी उसके अगेंस्ट में ले लें, ताकि अगर मतलब पता नहीं जिंदगी में रैंडम घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी वैसी कोई अनहोनी घटना हो गई ना, तो फिर आपके पीछे आपके घर वालों को वो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। जिस कंपनी से आपने अपने होम लोन के ऊपर इंश्योरेंस लिया हुआ, तो वो कंपनी आपको, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो आपके बैंक का होम लोन कंप्लीट करेगी, फिर आपके घर वालों को टेंशन नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना? अब बात करें पर्सनल लोन की, तो ये दो तरह का होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड पर्सनल लोन आपको FD, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके अगेंस्ट में मिलता है, या आपके पास गोल्ड वगैरह है तो उसके अगेंस्ट में आपको सिक्योर्ड लोन मिल सकता है। दूसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मामले में अगर लोन लेने वाले की मौत हो जाती है, तो बैंक पहले लोन गारंटर को पकड़ेगा, अगर गारंटर भी नहीं है तो वह उत्तराधिकारी और उसके परिवार को संपर्क करेगा। कई बार ऐसे मामले कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में भी बैंक को ही जीत मिलती है। अब बात करें अगर आपने अपनी गाड़ी, वाहन, व्हीकल, कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह के ऊपर लोन लिया हुआ, तो व्हीकल लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है। इस स्थिति में अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक घर वालों को लोन का भुगतान करने के लिए कहता है, और अगर घर वाले लोन का भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंक गाड़ी उठा के ले जाएगा और गाड़ी को बेच के उसके लोन की भरपाई कर लेगा। जाहिर सी बात है, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से बैंक के हर तरह के लोन के अलग अलग रूल्स होते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन और व्हीकल लोन। अब यहाँ पर समझदारी की बात यही होगी कि भविष्य में अगर आप किसी भी चीज के ऊपर लोन लेते हो, तो उसके साथ में थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा आएगा, आप अपने लोन का अगेंस्ट में इंश्योरेंस भी करवा लें, ठीक है ना? आपके लोन का एज ए बीमा हो जाएगा, जिस तरह से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, LIC वगैरह के जरिए हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, उस तरह से लोन इंश्योरेंस भी होता है, लोन बीमा होता है, और वो लेने के बाद आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं, ताकि पीछे घर वालों को दिक्कत ना हो और घर को नीलाम करने की बैंक को जरूरत ना पड़े, ठीक है ना? तो ये बैंक लोन को लेकर कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कोई भी बैंक जो हमारे जमा पैसों पर कौन से अकाउंट में ब्याज नहीं देता है, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, यानी कि कौन से अकाउंट में हमारे जमा पैसों पर हमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता, करंट में या फिर सेविंग अकाउंट में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।